वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और यूजीसी नेट देखकर यूजीसी नेट वाले बच्चे खुश हो गए होंगे, क्योंकि भाई 1 जून से आपका बैच शुरू होने वाला था और कल मैंने कोई अपडेट नहीं दी और आपका राजस्थान का बैच शुरू कर दिया। और राजस्थान बैच की जो आज एक हमने क्लास कर भी ली है, तो बच्चे जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि मैडम ना रिप्लाई कर रही है कब से बैच शुरू होगा, 1 तारीख बोला था लेकिन बैच की कोई भी अपडेट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले उस चीज़ के लिए सॉरी, तहे दिल से माफ़ी, क्योंकि जो आपका राजस्थान का एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है और इसलिए जो है थोड़ी सी प्रायोरिटी उनकी ज़्यादा बनती है। प्लस HPSC एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, एडमिट कार्ड भी आपके 6 तारीख से डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे, तो उनकी भी एक मैराथन मुझे रेडी करनी है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा जो आपका नेट का है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो गया है ना। लेकिन उस चीज़ की आप टेंशन मत ले। फाइनली आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि नेट का जो एग्ज़ाम है, जो आपका रिवीजन क्रैश कोर्स रहने वाला है, 30 डेज रिवीजन क्रैश कोर्स अपन लोग नेट के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें जो है हम टारगेट करेंगे दोनों को, है ना, जिसमें हम टारगेट करने वाले हैं दोनों, जो आपके नेट और GRF है दोनों को टारगेट करेंगे। ठीक है, पूरा टारगेट रहेगा कि भैया 200 में से 140 तक अपन लोग स्कोर करें। अगर आप इतना स्कोर कर लेते हो तो भाई आंख बंद करके समझ लेना कि आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो ये जो है आपका 30 डेज रिविजन क्रैश कोर्स रहेगा। मे बी जो आपको अभी जो है अभी इस टाइम पे जो है क्लासेस आपको अल्टरनेट मिल जाए, है ना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि डेली जो है आपकी क्लास हो, लेकिन मे बी अगर अल्टरनेट जो है आपको क्लास मिलते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वरी होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भाई अगर एग्जाम डेट आती है, चाहे मुझे एक दिन में 3 क्लास लेनी पड़े, मैं आपका जो है ये पूरा कोर्स करवाऊंगी। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बच्चों ने मुझे साफ साफ बोल दिया है कि मैम पेपर 2 आपके भरोसे है। तो भाई अगर आप इतना विश्वास मेरे ऊपर दिखा रहे हो तो मेरी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेपर 2 को और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बेस्ट बनाने के लिए, है ना। तो थोड़ा सा अच्छा जो है चीज़ें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है, आप सभी को पता है। तो उसके लिए ही जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पर टाइम की थोड़ी दिक्कत हो रही है, अदरवाइज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि डेली बेसिस पे आपको क्लासेस मिले। ठीक है, तो अब जो है आज की क्लास में एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन क्लास, और इसके बाद से आपका D1 जो है वो शुरू हो जाएगा। और आज की क्लास में अपन लोग बात करेंगे कि भैया क्या आपको जो है इस कोर्स में मिलने वाला है, जो 30 डेज क्रैश कोर्स अपन लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आज हम एक बार आपका मैं सिलेबस का ओवरव्यू दे देती हूँ, क्योंकि कई बच्चे मेरे ऐसे हैं जो पहली बार जो है नेट का एग्जाम देने में बैठेंगे, जिनको ये है कि भाई हम पहली बार नेट का एग्जाम फेस कर रहे हैं, तो सिलेबस थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि कोई भी एग्जाम आप दो क्रैक करो तो आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि भैया ये सिलेबस है और इस सिलेबस को मुझे ऐसे 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 करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिलेबस डिस्कस करेंगे, प्लस किस तरीके से हम कोर्स करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, और कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस कोर्स के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, है ना, और आपको ये क्लास जो है वो कैसी लगी, और आप कितना मतलब कितना है कि भाई नेट का जो है कोर्स आए आपके लिए, है ना। ओके, हाँ जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सिलेबस को, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस का पता होना चाहिए कि भैया आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहले देखो, टोटल जो है अगर मैं बात करूँ यूजीसी नेट के अंदर बात करें, तो यूजीसी नेट में आपके 2 पेपर होते हैं, Paper 1 and Paper 2। आज मेरी शक्ल पे भी थोड़े 12 बजे हुए हैं, आप लोगों को देख के लग भी रहा होगा बहुत ही ज्यादा जो है हो रखा है। तो Paper 1 जो है, Paper 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, Paper 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपका जो है 200 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये आपका पेपर पैटर्न रहता है। Paper 1 and Paper 2 दोनों के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, और इसमें जो है आपको अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको भाई 300 में से लेकर आना पड़ेगा, 170 और 80 के बीच में अगर आपके नंबर आ जाते हैं तो मान लीजिए आपका नेट क्वालिफाई हो गया। ये जनरल कैटेगरी यानी कि हाईएस्ट मार्क्स है, OBC SC ST OBC जो बाकी है उन सभी के लिए जो मार्क्स है ये थोड़ा कम होते जाएंगे। ठीक है, और अगर बाकी SC ST OBC वालों के लिए जो है 180+ पे जो आपका GRF क्लियर हो जाता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 190 और 200 में आपका जो है GRF क्लियर हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर 300 में से 200 भी आप ले आते हैं तो आप कंफर्म मानिए कि आपका GRF हो गया। ठीक है, अगर आप GRF के लिए कर रहे हैं, अगर आपको ये है कि भाई पहली बार दे रहे हैं, अगर नेट पे मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हरियाणा में आने वाली काफी सारी वैकेंसी, तो भाई हमें तो नेट पे मिल जाएगा तो एटलीस्ट हम एलिजिबल हो जाएंगे किसी पोस्ट के लिए, तो वो भी एक
बहुत ही अच्छी सोच है और आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर किसी ने आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया है, डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, क्योंकि उन्हें नहीं, नेट का एग्जाम तो बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए तो दिन रात एक करनी पड़ती है, अगर किसी ने आपको ऐसे शब्द बोले हैं तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि भाई ये जो है सिर्फ डिमोटिवेट के अलावा आपको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि भाई इतना भी मुश्किल कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक नॉर्मल सा एक क्वालिफाइंग एग्जाम आप बोल सकते हो, ठीक है, इतना भी आसान नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि अगर कोई ये कहे कि भाई नहीं होगा, दिन रात ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ सीरियसली पढ़ाई करते हो तो भाई आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि देखो ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि आपने इसे सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं। जब आप इनको थोड़ा सा स्मार्टली कि भैया पिछले साल क्या आया था, अब क्या आ सकता है, अगर आप उस तरीके से थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे तो डेफिनेटली जो है आप एक महीने में भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो पहला जो है हम बात करने वाले, जो पहला सब्जेक्ट है टोटल जो है कंप्यूटर साइंस के अंदर आपकी 10 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। और हर एक यूनिट में से अगर नॉर्मली अगर हम एक जनरल सा भी मान के चले कि भाई हर एक यूनिट में से आपको 10-10 नंबर जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहला है आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, यानी कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसमें आपका मैथमेटिकल लॉजिक, सेट एंड रिलेशन, ग्राफ थ्योरी एंड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये है आपकी पहली यूनिट, एंड काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें वो है आपका कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। इसमें जो है आपका डिजिटल लॉजिक सर्किट क्या है, कंपोनेंट क्या है, डेटा रिप्रेजेंटेशन, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या है, रजिस्टर ट्रांसफर, माइक्रो ऑपरेशन, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, ठीक है। तो ये है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कि यहाँ पे आपकी दो यूनिट जो है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद बात करें, ये जो पीडीएफ है, ये जो आपके सिलेबस की पीडीएफ है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो जो बच्चा टेलीग्राम चैनल पे नहीं है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका लैंग्वेज डिजाइन एंड ट्रांसलेशन इशू, एलिमेंट्री डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स का पोर्शन आ गया 2D एंड 3D, ठीक है। इसके बाद बात करें आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड SQL। हाँ जी, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो है आपका पूरा। फिर आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें आपका डेटा वेयरहाउसिंग, डेटा माइनिंग, जो डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग से भी आपको एक एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, और नो SQL में से भी आपको एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसके बाद ये थी आपकी चार। नेक्स्ट है आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिक क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, थ्रेड क्या होता है, CPU शेड्यूलिंग क्या होती है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, स्टोरेज मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीजें आती हैं आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, जो कि आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, सॉफ्टवेयर डिजाइन, एस्टिमेशन एंड शेड्यूलिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी, यहाँ से जो है थोड़े से आपको न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं किसके अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है भाई। इसके बाद ये है, देखो 10 यूनिट है, लेकिन अगर आपको जो यूनिट अच्छी नहीं लगती, आपको लगता है कि नहीं यार ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, तो आप उस चीज़ को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि भाई आपको जो है टॉप नहीं करना, आपको कोई भी टॉप नहीं करना और कोई बच्चा टॉप कर भी नहीं सकता, है ना। बहुत रेयर ही होते हैं जो अच्छे खासा जो है स्कोर कर पाते हैं। अगर आप 200 नंबर भी 300 में से स्कोर कर रहे हो और आपकी दोनों चीज़ें क्वालिफाई हो रही हैं, तो इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम है, और हमेशा मैं कहती हूँ अगर टाइम ज़्यादा हो तो आप सारी चीज़ें कवर अप करो, लेकिन अभी टाइम कम है तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वे अप्रोच जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर में आपका कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर, रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, जो है ग्राफ, एल्गोरिथम क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी में से क्वेश्चन आता है, एडवांस एल्गोरिथम है ना, उसमें जो है आपके हैशिंग और ये सारी चीजें, किस किस की क्या कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, डिवाइड एंड कॉन्कर, ब्रांच एंड बाउंड, यहाँ से जो आपको डिटेलिंग में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका TOC, और TOC के साथ ही आपका दे रखा है कंपाइलर, है ना। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर बहुत, दोनों जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या होती है, अनसॉल्व प्रॉब्लम एंड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, रेगुलर लैंग्वेज मॉडल, कोड जनरेशन एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है आपकी कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, है ना। तो इसमें डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, फंक्शन ऑफ OSI, TCP लेयर, मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये है आपका कंप्यूटर नेटवर्क, और लास्ट है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जेनेटिक एल्गोरिथम,
न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड मल्टी एजेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये है आपके टोटल 10 यूनिट, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि भाई आपका जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो क्या क्या है, आपका एक तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है, एक आपका TOC एंड कंपाइलर डिजाइन है, उसके बाद BMS एंड SQL है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। ये जो है सारे आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं नेट के, है ना। अब हम सिलेबस किस तरीके से करने वाले हैं वो यहाँ पर समझ लीजिए। हम जो सिलेबस करेंगे सब देखो, क्योंकि भाई कई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार नेट का एग्जाम दे रहे हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी, प्लस जो है थोड़ा बहुत थ्योरी करो, लेकिन थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक चीजें नहीं क्लियर, अगर आपका बेस नहीं बना हुआ, अगर आपको नहीं चीजें समझ में आएंगी तो दिक्कत आ जाएंगी। तो भाई हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद सब्जेक्ट वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। स्मार्ट जो है टेक्निक इस तरीके से फॉलो करेंगे कि भैया एक बार में ही आपकी चीजें आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाए, है ना। अब जो है ये सब्जेक्ट वाइज जो हम करने वाले हैं, सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट में उठाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि भैया नेट में पिछले साल, उससे पिछले साल कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, जिससे आपके दिमाग की बत्ती खुले कि भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न आता है। क्योंकि वही चीज पढ़ो जो एग्जाम में आती है, फालतू की चीजें हमें नहीं करनी और फालतू हम करने भी नहीं वाले, ना ही हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो हम जो करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन में आपको सबसे पहले, जैसे मैंने लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम उठाया, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के जो जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं, जिस जिस टॉपिक में से रैंडमली हर साल क्वेश्चन आया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद हम उसके ऊपर थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, और थ्योरी वाला पार्ट डिस्कस करने के बाद फिर प्रीवियस ईयर पेपर में चलेंगे और फिर प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से जो है हम 10 यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे जो है आपको चीजें भी समझ में आएंगी, एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा, प्रीवियस ईयर में क्या आ रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं और हमें एग्जाम में क्या मिलेगा, वो सारी चीजें जो है डिस्कस करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जब आपके ये सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, उसके बाद करेंगे भैया आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट जो है 8 से 10 पेपर तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ताकि जो है आपको समझ में आए कि भैया हमने ये चीजें कर ली हैं तो अब हम कितना कर पा रहे हैं, हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना हार्ड पेपर जो लेक्चरर का है, कॉलेज में पढ़ाना है, स्कूल वाली बात नहीं, आप कॉलेज में चले गए हो, आप कॉलेज में पढ़ाने वाले हो, तो भाई वही लेवल आपको देखना है। क्योंकि वहां पे ये ना हो जाए कि भाई क्या टीचर बन गया, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो आपको जो है अपने लेवल को भी अप करना है, चीजों को भी ग्रो करना है, अपने माइंड को भी ग्रो करना है। थोड़ा सा पढ़ने का टाइम आ गया है, थोड़ा सीरियस हो जाओ। अगर नेट के एग्जाम को लेके सीरियस हो तो भाई ऐसे चीजें हवा में नहीं होंगी, भाई इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अगर ये मैं कहूँ कि अगर आपको ये कहेगी नामुमकिन है, वो चीज भी नहीं है, हर चीज पॉसिबल है, बस वो आपके ऊपर डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप सभी बच्चे जो है पेपर वन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि पेपर वन जो है वो आपको कैसे करना है, और पेपर वन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस जरूर कीजिएगा, आज से ही शुरू कर दो अगर नहीं किया है तो, अगर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है पेपर टू अपन शुरू करेंगे। तो आई होप आपके सारे डाउट जो है वो नेट के क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग जो है खत्म हो गए होंगे, और आप कितने एक्साइटेड है कोर्स को लेकर, और आपकी आपको जो है मेरी स्ट्रेटेजी कैसी लगी, क्या हमें थ्योरी वाला पार्ट डिस्कस करना चाहिए या सिर्फ हमें क्वेश्चन ही डिस्कस करवाने चाहिए, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे आप लोगों की भी राय पता चले कि भैया नहीं ऐसे होना चाहिए, आप ऐसे चाह रहे हो। अगर आपको जैसे ठीक लगे प्लीज कमेंट सेक्शन में सजेशन जरूर दीजिएगा। अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो डेफिनेटली जो है मैं इंप्रूवमेंट करूंगी अपने अंदर, है ना, और आपके कोर्स के अंदर, क्योंकि हर बार कोर्स को बेहतर और बेहतर बनाना ही जो है हमारा काम है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलेगा, और कमेंट करके जो है बताना भी मत भूलेगा कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, और डे 1 के साथ मिलते हैं, और फिर बताना कि डे 1 आपको कैसा लगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।